वेलकम फ्रेंड्स, साउथ पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो प्रोटिस्टा किंगडम है, व्हिटेकर के द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, उसमें जो दूसरा किंगडम था जिसको प्रोटिस्टा, हमने कल उसके बारे में प्रोटिस्टा के जनरल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके कुछ लक्षण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम प्रोटिस्टा किंगडम के क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उसके कौन कौन से लक्षण हैं। तो अगर हम बात प्रोटिस्टा की करें तो प्रोटिस्टन्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं या प्रोटिस्टा के जो जीव होते हैं इस किंगडम के, वो यूकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और इनकी विशेषता ये है कि ये यूकैरियोटिक के रूप में विकसित प्रथम जीव थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें है क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनाइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन्स। तो इन 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है क्राइसोफाइट्स, दूसरा है डायनोफ्लैजेलेट, थर्ड है यूग्लिनाइड, फोर्थ है स्लाइम मोल्ड, इसको हम अपोंक भी हिंदी में बोलते हैं, और फिफ्थ है प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोआ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम प्रोटोजोअन्स बोलते हैं। इनके जो नाम्स हैं आपको वो सब इंग्लिश में ही मिलेंगे। जैसे यहाँ पर क्राइसोफाइट्स है तो क्राइसोफाइट को हम क्राइसोफाइट हिंदी में भी लिखेंगे, डायनोफ्लैजेलेट को भी हिंदी में डायनोफ्लैजेलेट ही लिखते हैं, यूग्लिनाइड इसको भी केवल हम इसको अपोंक लिख सकते हैं, स्लेश्म अपोंक लिख सकते हैं या फिर अपोंक ही लिखते हैं स्लाइम मोल्ड को। और लास्ट और पांचवा है प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स को भी आप प्रोटोजोअन ही लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है जो सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनमें फोटोसिंथेसिस की क्षमता पाई जाती है, और सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इनको डायटम्स भी बोलते हैं। डायटम को हिंदी में डायटम ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करें मेरी, तो पहला जो पॉइंट है इंक्लूड, यहाँ पर देखिए क्राइसोफाइट्स आगे छुपा हुआ है, तो आप सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तो इसको क्राइसोफाइट्स आगे लगाकर पढ़ेंगे। क्राइसोफाइट्स इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। तो ये जो क्राइसोफाइट्स है, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, डायटम्स जो क्राइसोफाइट्स है उनमें क्या क्या होते हैं, डायटम्स होते हैं, गोल्डन मतलब सुनहरा और एल्गी मतलब शैवाल। तो ये जो क्राइसोफाइट्स हैं उसके अंतर्गत डायटम्स और कुछ सुनहरे शैवाल आते हैं। ये जो क्राइसोफाइट्स होते हैं मोस्टली मीन्स होता है ज्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अर्थात इनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपने भोजन को तैयार करते हैं। नेक्स्ट, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशंस। चीफ मतलब होता है मुख्य, प्रोड्यूसर का अर्थ होता है उत्पादक। इन ओशन, ओशन में होता है समुद्र, समुद्र में जो भी प्रोड्यूसर होते हैं, आप जानते हैं कि जब हम इको सिस्टम को पढ़ते हैं तो उसमें कोई भी साइकिल होती है उसमें हम प्रोड्यूसर पढ़ते हैं, उत्पादक पढ़ते हैं, उपभोक्ता पढ़ते हैं और डीकम्पोजर अर्थात अपघटनकर्ता को पढ़ते हैं। तो प्रोड्यूसर का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करके भोजन अपना स्वयं बनाते हैं और दूसरे जीवों का भोजन बनते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्राइसोफाइट्स हैं वो समुद्र में मुख्य उत्पादक का रोल अदा करते हैं, मुख्य उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें एक और खासियत होती है, ये जो डायटम्स होते हैं उनमें डायटोमिन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है। डायटोमिन नामक एक पिगमेंट मतलब होता है रंजक रंग।
तो इनमें डायटम्स में डायटोमिन नामक एक प्रेजेंट पिगमेंट उपस्थित होता है, एक रंग उपस्थित होता है जिसकी वजह से ये कलर दिखाई देते हैं। किस कलर के दिखाई देते हैं? गोल्डन, सुनहरे कलर के हो सकते हैं, कोई अन्य कलर, पीला कलर। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज फूड मटेरियल। इनका जो संचित भोज्य पदार्थ है, स्टोरेज मतलब संचित, फूड मटेरियल मतलब भोज्य पदार्थ, तो ऑयल तेल के रूप में हो सकता है अथवा ल्यूकोसाइन के रूप में, ल्यूकोसीन के रूप में हो सकता है। याद रखेंगे जो इनका स्टोरेज फूड मटेरियल ऑयल और ल्यूकोसीन होता है। नेक्स्ट हमारा डायनोफ्लैजिलेट्स दूसरा है। डायनोफ्लैजिलेट्स को हम हिंदी में प्लवक बोलते हैं। मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक, मोस्टली मतलब ज्यादातर मैराइन मतलब समुद्री, तो ये ज्यादातर समुद्री होते हैं अर्थात खारे जल में पाए जाते हैं। मोस्टली मैराइन समुद्री होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कौन? डायनोफ्लैजिलेट्स ज्यादातर समुद्री होते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। दूसरा पॉइंट है सेल वॉल हैज सेलुलोज प्लेट। इनकी जो सेल वॉल होती है, आप जानते हैं कि कोई अगर कोशिका है तो इनके बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है कुछ प्लांट किंगडम में या फिर ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वगैरह में। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की जो थिक लेयर होती है उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। तो इनकी जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है, उनकी जो सेल वॉल की बाहरी भित्ति होती है, उन पे बाहरी भित्ति पर सेलुलोज की बनी हुई कुछ प्लेट्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला। ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनके जो जीव होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स के अंतर्गत जो जीव आते हैं, उन जीवों में ज्यादातर जीव ऐसे हैं जिनमें दो फ्लैजिला पाया जाता है, दो कसाविका या दो कसाव पाया जाता है। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यू स्पीसीज। स्पीसीज मतलब जाति। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही केवल ये कुछ प्रजातियों में ही पाया जाता है, ज्यादातर प्रजातियों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है अर्थात अलैंगिक जनन ही पाया जाता है। लैंगिक जनन केवल कुछ प्रजातियों में पाया जाता है। हमारा तीसरा जो नेक्स्ट है यूग्लेनाइड। यूग्लेनाइड में इसका आप नाम से याद रखेंगे एक एग्जांपल और उसी के आधार पर आप उसका करेक्टर्स भी बताते चलेंगे। यूग्लेनाइड से मिलता जुलता जो ऑर्गेनिज्म है वो है यूग्लिना। अब आप यूग्लिना को ध्यान में रखकर कुछ इसके करेक्टर्स को जान सकते हैं। तो यहाँ पर यूग्लेनाइड में इसका जो करेक्टरिस्टिक फीचर है मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं, ज़्यादातर ये ताजे जल में रहना पसंद करते हैं। फ्रेश वाटर मतलब ताज़ा जल, ताज़ा जल का मतलब है कि ऐसा पानी जो मीठे पानी के अंतर्गत आता है। मीठा पानी हम किसको कहेंगे? ऐसा पानी जिसमें नमक की मात्रा बहुत कम हो, और खारा पानी हम किसको बोलेंगे? जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम खारा पानी बोलते हैं। तो यहाँ पर बायोलॉजी की भाषा में आप खारे पानी को मैराइन वाटर या फिर सैलाइन वाटर बोलते हैं खारे पानी को इंग्लिश में, और हिंदी में आप मीठे पानी को या फ्रेश वाटर जिसको बोलते हैं, मीठे पानी के लिए आप फ्रेश वाटर यूज़ करेंगे। फ्रेश वाटर का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि तालाब का पानी नहीं शामिल हो सकता उसमें। यहाँ पर ऐसा पानी जिसमें नमक की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो हम उसको सैलाइन वाटर या मैराइन वाटर, और समुद्री पानी को हम मैराइन वाटर बोलते हैं। तो फ्रेश वाटर का मतलब कि तालाब, झील, नदी, कोई भी पानी हो सकता है, उसमें ये यूग्लेनाइड पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल अब्सेंट। इनमें जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल अब्सेंट होती है, अर्थात जो कोशिका भित्ति होती है वो अब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट पेलिकल। आपको कुछ प्रोटोजोअन्स को देखेंगे तो उनके ऊपर प्रोटीन की एक लेयर पाई जाती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। सपोज दैट ये एक यूग्लेना का फिगर है, तो यहाँ बीच में एक न्यूक्लियस होता है। इनकी सपोज दैट ये मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि सेल वॉल तो ऑब्सेंट होती है।
तो सबसे बाहर की लेयर होगी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक प्रोटीन की पतली झिल्ली पाई जाती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, और इस पेलिकल की वजह से ये जो यूग्लेनाइड होते हैं, यूग्लेनाइड अर्थात इस यूग्लेनाइड के जो जीव होते हैं इस के, तो इन जीवों में पेलिकल की वजह से, पेलिकल एक प्रोटीन की लेयर होती है ध्यान रखेंगे, इसी लेयर की वजह से इनका जो बॉडी होता है वो इलास्टिक होता है अर्थात लचीला होता है। नेक्स्ट पॉइंट, टू फ्लैजिला, दो फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो जीव होते हैं उनमें ज़्यादातर जीवों में दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। यूग्लेना को आप देखेंगे तो एक ये लंबा वाला फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और एक छोटा सा फ्लैजिला यहाँ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉफी, न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, मिक्सोट्रॉफी मतलब मिला जुला मिक्स टाइप का। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम किसको बोलेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी पाया जाए और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी पाया जाए, ऐसे जीवों को हम हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं, विविध कोशी बोलते हैं, और हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी परपोषी न्यूट्रिशन दोनों अगर किसी जीव में पाए जा रहे हैं तब हम उस प्रकार के न्यूट्रिशन को, उस प्रकार के पोषण को मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप अगर यूग्लेना की बात करें तो यूग्लेना में अगर वो प्रकाश की उपस्थित में होता है तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसलिए वो फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होता है, और अगर वो अंधेरे में होता है तो उस समय वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है और उस समय वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रदर्शित करता है। अगर वो प्रकाश की उपस्थित में होता है तब वो फोटोसिंथेसिस करता है अर्थात प्रकाश संश्लेषण करता है जिससे वो अपना भोजन खुद बना लेता है। और अगर इसको हम यूग्लेना को कुछ समय के लिए अंधेरे में रख दें तब उसका जो क्लोरोफिल होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसको प्रकाश की उपस्थिति में फिर से लाएंगे तो धीरे धीरे फिर से उसकी बॉडी में जो पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, वो फिर से बनने लगते हैं और वो फिर से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है शुरू करने लगता है, फिर से फोटोसिंथेसिस करने लगता है। कुछ यूग्लेना की प्रजातियाँ हैं जिनमें अगर एक बार उनका क्लोरोफिल ख़त्म हो गया तब वो दोबारा नहीं गेन कर पाते हैं, दोबारा नहीं प्राप्त कर पाते हैं क्लोरोफिल को, लेकिन ज़्यादातर जो स्पीसीज हैं, ज़्यादातर जो जातियां हैं यूग्लेना की, उनमें अगर क्लोरोफिल एक बार नष्ट भी हो गया तब दोबारा से क्लोरोफिल बन जाता है। आइए दूसरे पॉइंट को देखते हैं, सम फोटोसिंथेटिक, इनमें कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं जैसे कि यूग्लेना, तो कुछ जीव यूग्लेनाइड के ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया दर्शाते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्लाइम मोल्ड्स अपोंक, जिसको हम बोलते हैं स्लेस अपोंक, इनका जो करेक्टरिस्टिक फीचर है ये सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं अर्थात मृतोपजीवी, मृत जीवों को खाते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। क्लोरोफिल अब्सेंट होता है, क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। सोमैटिक सेल हैव नो सेल वॉल, आप जानते हैं कि शरीर में दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक सोमैटिक सेल जिनसे हमारी नॉर्मल बॉडी बनी होती है उसको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, और एक ऐसी सेल्स होती हैं शरीर में जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, जनन में पार्टिसिपेट करती हैं, जनन में भाग लेती हैं, उनको हम जर्म सेल्स बोलते हैं, जैसे कि स्पर्म और ओवम, ये जर्म सेल्स के अंतर्गत आते हैं, शुक्राणु और अंडाणु। तो यहाँ पर जो हमारे शरीर की नॉर्मल कोशिकाएं हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है उनको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, और कायिक कोष कहीं नहीं बोलते हैं सोमैटिक सेल्स को। सोमैटिक सेल्स में कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है, लेकिन जो जर्म सेल्स होती हैं, जो जर्म सेल का मतलब जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं, उनमें सेल वॉल पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है प्रोटोजोअन्स, तो प्रोटोजोअन्स में उन जीवों को रखा गया है जो एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं अर्थात जंतुओं की तरह व्यवहार करते हैं। तो इनमें ये जो जीव होते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं अर्थात ये
फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, क्लोरोफिल अब्सेंट होता है। जब क्लोरोफिल अब्सेंट है तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ से करेंगे? सेल वॉल अब्सेंट, आप जानते हैं कि जंतुओं का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है उनमें सबसे बड़ा ये डिफरेंस है प्लांट और एनिमल्स में कि जंतुओं में सेल वॉल अब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर जो प्रोटोजोअन्स हैं जो एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं उनमें जो सेल वॉल है वो अब्सेंट है। नेक्स्ट है लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब होता है गमन अंग या गमनांग। गमन अंग, गमन अंग अर्थात चलने फिरने वाले अंग जो सहायता करें चलने में। तो यहाँ पर सीलिया जिसको हम हिंदी में पक्षमाप बोलते हैं, फ्लैजिला कसाविदा बोलते हैं हिंदी में, स्यूडोपोडिया, ये तीन प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, गमनांग होते हैं किसमें? प्रोटोजोअन्स में। सीलिया, फ्लैजिला और स्यूडोपोडिया ये तीन प्रकार के गमन अंग होते हैं। इसको हिंदी में उपपाद बोलते हैं, कसाविदा और इसको पक्षमाप बोलते हैं। न्यूक्लियस वन टू और मोर। सबसे बड़ा स्पेशल फीचर प्रोटोजोअन्स का कि इनके ऑर्गेनिजम्स में केंद्रक की संख्या एक भी हो सकती है, किसी किसी ऑर्गेनिजम में दो केंद्रक हो सकते हैं और किसी किसी जीव में दो से अधिक केंद्रक भी हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे अभी आपने यूगलिना को देखा तो एक न्यूक्लियस था उसमें। पैरामीशियम को आप देखेंगे, पैरामीशियम में दो प्रकार के न्यूक्लियस, एक माइक्रो और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, दो प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटोजोअन्स में एक न्यूक्लियस हो सकता है, दो न्यूक्लियस हो सकता है या दो से ज़्यादा भी न्यूक्लियस हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन। तो इसमें अगर हम पोषण की बात करें, न्यूट्रिशन में होता है पोषण, तो जो पोषण होता है वो होलोजोइक होता है, जंतु समभोजी होता है, होलोफिटिक हो सकता है, कुछ जीवों में पौधों की भांति भी भोजन होता है, जैसे कि यूगलिना जब फोटोसिंथेसिस करता है तो वो होलोफिटिक न्यूट्रिशन हो गया प्लांट की तरह, पादप संभोजी, अगर वो अंधेरे में होता है तो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। अगर किसी जीव में ये दोनों प्रकार के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं होलोजोइक और होलोफिटिक, तब हम उस प्रकार के न्यूट्रिशन को मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट है साइप्रोफिटिक मृतोपजीवी भी हैं, कुछ ऐसे प्रोटोजोअन्स हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को भी खाते हैं, इसलिए उनको हम साइप्रोफिटिक बोलते हैं या मृतोपजीवी बोलते हैं, अथवा पैरासिटिक सबसे खतरनाक ये होते हैं, और पैरासाइट्स जो हैं जिनको हम परजीवी बोलते हैं, ये हमारे शरीर में जंतुओं में प्लांट में डिफरेंट तरीके के रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा मलेरिया, तो ये भी जो उसका मलेरिया का पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की वजह से मलेरिया होता है। और एक और सुना होगा पायरिया जो डिजीज होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है, एंटमीबा जिंजिवेलिस, और एक होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका जिसकी वजह से खूनी पेचिस होता है। तो ये जो तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं ये पैरासाइट कहलाते हैं, परजीवी होते हैं, और परजीवी का अर्थ ये होता है कि ऐसा कोई जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता हो तथा उसमें कोई डिफेक्ट उत्पन्न करता हो, कोई रोग उत्पन्न करता हो, कोई लक्षण भी उत्पन्न करता है, तो उसको हम परजीवी बोलते हैं।